फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक जिससे कि आप हाइड हो सकते हो, ठीक है, हिडन प्लेस भी कह सकते हैं और एक हाइड होने की ट्रिक कह सकते हैं ऐसे। एंड इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपना रैंक पुश कर सकते हो, ठीक है। और मैं स्पेशली ये वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ कि आप अपना जो है रैंक पुश कर सको, बिकॉज बहुत लोगों का कमेंट आता है कि यार रैंक पुश के लिए वीडियो बनाओ। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है और थोड़ा स्पेशल है, और इसमें मैं आपको एक छोटा सा मैजिक भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ध्यान से, ठीक है। और इस ट्रिक को करना मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सिंपल है, है सिंपल, बट थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में जो है ये ट्रिक अप्लाई करने में थोड़ा सा, मतलब हल्का सा जो है आपको टफ लगेगा, बट जब आप इसे ट्राई करोगे एंड ट्राई करने के बाद इसे अप्लाई करोगे तो आपको जो है ये आ जाएगा करना, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रिक परगेट्री मैप की है, जैसा कि आपने देख लिया है, ठीक है। तो परगेट्री मैप में यहाँ पे एक जगह है, आइलैंड है यहाँ पे एक सिंगल, मतलब अलग सा ही है ये। और यहाँ पे आपको जो जगह दिख रही है आपको सामने यहाँ पे मैप में, जहाँ पे पूरा एकदम पानी पानी वाला है ना, तो आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ से पहले आप स्विम करके आगे जाओ, एंड आपको जाना किस साइड है, देखो यहाँ पे मैप में ये स्विम करके जो आगे को जाता है, जहाँ पे बोट लगी हुई है और जहाँ पे वो निकलने का रास्ता है, तो आपको उस साइड जाना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ मैप में। जैसे आप यहाँ से स्विम कर जाओगे, वो ठीक सामने जो है वहाँ पे जगह है और वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे ये जाने का रास्ता बना हुआ है ना जो, और साथ में वहाँ पे एक बोट खड़ी होती है, तो आपको जो है बोट के साइड जाना है, ठीक है। और बोट के वहाँ पे जाके क्या करना है आपको, आपको मतलब वहाँ पे ना बैठ जाना है, ठीक है, ठीक बोट के सामने, मतलब आपको बैठना है। बट मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि पहले इस ट्रिक को आप एक बार नॉर्मल मैच में, क्लासिक मैच में ट्राई करो, और जब आपको ये ट्रिक समझ आ जाती है और आपको ये ट्रिक करनी आ जाएगी ना, उसके बाद ही है जब आप इसे रैंक में यूज़ करना। बिकॉज़ अगर आपने इसमें मतलब ट्राई किया और हुआ नहीं, अगर आप रैंक में गए, ठीक है, और फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सो गाइस, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको जो है बोट पे पंच मारना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मुक्के मारने हैं और कॉन्टिन्यूसली मुक्के मारते रहना है, और मुक्के मारते हुए, पंच करते हुए जो है आप इसके अंदर आ जाओगे बैठ के, ठीक है, पानी के एकदम अंदर आ जाओगे। सो इस टाइम आप देख सकते हो, या फिर मैं, मेरी पूरी टीम, जो पूरा स्क्वाड है, वो पानी के अंदर है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, ये पानी के अंदर है पूरी की पूरी टीम, और इसके अंदर मतलब बैठ सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे हाइड हो सकते हो, और यहाँ तक कि आप पानी के अंदर जो है रन कर सकते हो, ठीक है, रनिंग भी कर सकते हो आप इसके अंदर। तो ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, ठीक है। और यहाँ पे आप पानी में ग्लू वॉल बना सकते हो, यहाँ पे आप हाइड हो सकते हो, मतलब बैठ जाओगे ना तो कोई देख नहीं सकता। और अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो मेडिकेट है, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा मैजिक दिखाता हूँ। इसे मैजिक कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये फ्री फायर का एक बग हो। देखो, मैं यहाँ पे मेडिकेट यूज़ करूँगा, ठीक है, दो मेडिकेट है मेरे पास और मैं दोनों मेडिकेट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो दोनों मेडिकेट यूज़ करके जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा, मेरे पास मेडिकेट ज़ीरो है, देख सकते हो आप, यहाँ पे मेडिकेट है मेरे पास ज़ीरो। तो मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड लगा रखी है जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से निकला और मैं यहाँ पर जोन से बाहर आया, तो यहाँ पर देख सकते हो ये छोटा सा एक बग है यहाँ पर, लेकिन जैसे मुझे यहाँ पर जो है मेरे स्क्वाड ने एक मेडिकेट दिया है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे एक मेडिकेट आ गई, और अब आप देखना यहाँ पे बस तीन मेडिकेट हो गई है। मैंने रिसीव की एक और मैंने एक यूज़ कर ली, मैंने एक मेडिकेट यूज़ की, तो मेरी जो दो मेडिकेट मैंने पानी के अंदर यूज़ की थी ना, वो वापस आ गई है। सो गाइस, ये एक मैजिक की तरह है, मतलब एक मैजिक लग रहा है और एक बग हो सकता है ये इस गेम का, ठीक है। जो मेडिकेट हम वहाँ पे अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, और बाहर आके फिर हम यहाँ पे एक मेडिकेट यूज़ करते हैं, तो जो पानी के अंदर मेडिकेट हमारी ख़त्म हुई थी वो यहाँ पे जो है वापस आ जाती है, ठीक है। सो गाइस, ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा मतलब सीक्रेट है, किसी को भी तक पता नहीं है, और ये ट्रिक करना थोड़ा सा टफ भी है। तो मैं बोलूँगा इस ट्रिक को करने से पहले आप एक बार ट्राई कर लेना, और जब आपको लगता है कि आप इसमें परफेक्ट हो, उसके बाद आप इसे जो है रैंक में ट्राई कर सकते हो, रैंक में यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, अपना ये ट्रिक यूज़ करके आप जो है मतलब रैंक खेलो, अपना रैंक पुश करो, ठीक है। और ये बिल्कुल भी मतलब इलीगल नहीं है, आपका आईडी जो है वो बैन नहीं होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यार आईडी बैन हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आईडी वगैरह बैन नहीं होगा, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा कि अगर आप बिना छुप कर खेलोगे तो आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, तो या आपके ऊपर है कि आपको छुप के खेलना है, रैंक पुश करना है, या आपको स्किल्स बढ़ानी है अपनी, तो आप देख लो, ठीक है ना।
तो गाइस वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी ये ट्रिक पता चल जाए और वो भी अपना रैंक पुश कर सके, ठीक है। सो गाइस पक्का याद से लाइक करके जाना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए आए हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस डिस्क्रिप्शन में जो है गेमर्स पॉकेट ऐप का लिंक है, आप अगर आप लाइव टूर्नामेंट खेलना चाहते हो तो आप जो है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे 10 रुपीज़ एंट्री फीस लगा के जो है आप 100 से लेकर 150 रुपये तक जो है आप वहाँ पे विनिंग प्राइस जो है जीत सकते हो। तो अगर आपको लाइव टूर्नामेंट खेलना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसका ट्यूटोरियल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसे कैसे यूज़ करना है। सो गाइस मैं मिलूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी।